वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो टुडे वी विल स्टार्ट क्लास एट चैप्टर नंबर 16 डाटा हैंडलिंग। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड वेरी इजी चैप्टर। इन प्रीवियस क्लासेस वी हैव डिस्कस अबाउट डाटा हैंडलिंग। आपने फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल पढ़ी होगी, एज इट इज़ आपको क्लास 8th में भी है। सो वी विल स्टार्ट 16.1 क्वेश्चन नंबर 1। इन क्वेश्चन नंबर 1 वी हैव डिस्कस द फॉलोइंग हाइट इन सेंटीमीटर ऑफ 25 गर्ल्स। यहाँ पर 25 गर्ल्स की हाइट दी हुई है। आपको फर्स्ट फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है, वही टेलीमार्क ही होता है जिसका नाम फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल रखा गया है। हाइट ऑफ द शॉर्टेस्ट गर्ल्स, सबसे छोटी हाइट की गर्ल्स बतानी है कितने सेंटीमीटर की है। फाइंड द हाइट ऑफ द टैलेस्ट गर्ल्स, टैलेस्ट गर्ल्स की हाइट बतानी है। एंड फाइंड द रेंज, रेंज क्या होता है, रेंज होता है हाइएस्ट माइनस लोवेस्ट। जो भी हाइएस्ट डाटा होगा उसको लोवेस्ट से माइनस करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट का आंसर मैंने दे दिया है, टेलीमार्क एक बनाई है, हाइट लिख दी सबसे फर्स्ट कॉलम में सेंटीमीटर, टेलीमार्क सेकंड कॉलम में एंड फ्रिक्वेंसी थर्ड कॉलम में आई। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे छोटी से स्टार्ट करते हैं। 140 सेंटीमीटर हाइट की गर्ल्स 1 है, 142 की 4 है, इस टाइप से 146 की 8 है। टेलीमार्क कैसे बनानी है आपको, यदि 4 आता है तो आपको 1 2 3 4 4 लाइनें ड्रॉ करनी है, यदि 5 आता है तो आपको 1 2 3 4 4 लाइनें ड्रॉ करनी है और फिफ्थ को क्रॉस करना है, जैसा कि यहाँ पर किया गया है। ठीक है, फिर उसके बाद 6 7 8। तो यहाँ पर टेबल आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो इसका प्लस भी टोटल 25 आ रहा है, यानी कि हमने जो टेबल बनाई है वो राइट है। आप डाटा देख लीजिए, टोटल 25 गर्ल्स है और हमारा यहाँ पर आंसर भी 25 आ रहा है। सो टेबल आपको हर क्वेश्चन में करनी है, तो एक ही बार समझा रहा हूँ, आप अच्छे से इसे देख लीजिए, इस टाइप से आपको बनानी है। नाउ सेकंड क्वेश्चन में पूछा था हाइट कितनी है शॉर्टेस्ट की, तो 140 सेंटीमीटर आई, टॉलेस्ट की 155 सेंटीमीटर आई और रेंज कितनी निकली, 155 माइनस 140 इजिकल टू 15 सेंटीमीटर। सो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर फिनिश होता है। इसी टाइप से सेकंड क्वेश्चन है, फॉलोइंग रन्स स्कोर्ड बाय द प्लेयर इन 15 मैच। 15 मैचों में एक स्कोर कार्ड बनाया गया था, उसका आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। तो फर्स्ट कॉलम में आप क्या लिखेंगे, रन्स, सेकंड में टेलीमार्क और थर्ड में फ्रीक्वेंसी। ये नंबरों को आपको पहले स्मॉलेस्ट से लॉन्गेस्ट जमाना है, सिर्फ आपको टेबल बनानी है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, 20 स्टूडेंट ऑफ क्लास इन मंथली टेस्ट आउट ऑफ 20 मार्क्स। यहाँ पर मार्किंग दी हुई है 20 स्टूडेंट्स की, कि 20 मार्क्स में से किसके कितने मार्क्स आए। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट क्या बनाना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो आपको लिखना पड़ेगा मार्क्स, सेकंड में टेलीमार्क और थर्ड में फ्रीक्वेंसी, इस टाइप से करना है। अब यहाँ पर दिया है द नंबर ऑफ स्टूडेंट पास्ड ऑफ 70% मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास। ठीक है, आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताने हैं कितने पास हुए 70% में। ठीक, तो यहाँ पर परसेंट आपको निकालना पड़ेगा। सेकंड पूछा है, हाउ मेनी स्टूडेंट स्कोर द हाईएस्ट मार्क्स, सबसे ज़्यादा किसने मार्क्स, कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स आए। हाउ मेनी स्टूडेंट, कितने स्टूडेंट, आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट बताना है। हाउ मेनी स्टूडेंट स्कोर मोर देन 80% मार्क्स, कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 80% से ज़्यादा मार्क्स आए, उन स्टूडेंट की काउंटिंग बताना है। और लास्ट है, हाउ मेनी स्टूडेंट फेल्ड, कितने स्टूडेंट फेल हो गए, यानी कि 33% से कम कितनों के आए। जैसा कि थर्ड क्वेश्चन में दिया है परसेंटेज निकालना है, तो आप क्लियर यहाँ पर परसेंटेज इजीली निकाल सकते हैं। जो भी डाटा दिया है, जैसे फर्स्ट दिया है 10 मार्क्स का, तो 10 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, यानी कि इस स्टूडेंट के कितने परसेंट बने, 50। 15 नंबर सेकेंड, तो 15 5 75, यानी कि 15 नंबर जिसके आए उसके कितने परसेंट बने, 75। यहाँ पर मैंने निकाल के दिए हुए हैं, 10 मार्क्स के 15% होंगे, 20 मार्क्स वाले के 100% होंगे, 7 मार्क्स के 35%, 50 मार्क्स के 75%। तो इस टाइप से आप नंबर ऑफ स्टूडेंट इजीली निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी 16.1 एक्सरसाइज फिनिश होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 16.2।